एमपी के जनपद सिंगरौली लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सिंगरौली जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय के भू अर्जन शाखा में पदस्थ रविंद्र घोष को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। बता दें कि इन दिनों सिंगरौली जिले में पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें APMDC कंपनी के लिए अधिकृत किए जा रहे क्षेत्र बेलवार गाँव निवासी हरिलाल साहा से 1,00,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें आज उसने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ बाबू को 20,000 की रिश्वत देते समय लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। पिता रामचरण साह निवासी बिलवार, उन्होंने एक आवेदन दिया था लोकायुक्त SPC सागर साहब के समक्ष के इनकी जमीन का जो मुआवजा है उसका भुगतान करने के लिए रिश्वत की राशि मांगी जा रही है। वो यहाँ पे एक सहायक ग्रेड 3 है रविंद्र घोषी, उनके द्वारा रिश्वत की राशि 20,000 रुपये उनसे मांगी जा रही है। इस संबंध का एक आवेदन पत्र दिया, उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में ये बात चित्र हुई, उसके बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई और श्री रविंद्र घोषी जी 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए। ये मांगा कितना था, डिमांड रखा गया 20,000 अलग अलग है, वो इससे 20,000 मांगा गया था। जो आरोपी है जो शिकायत करता है उससे 20,000 रुपये की राशि मांगी गई थी, जो देते हुए आयोग ट्रैप किया। अभी तक क्या कुछ और की जानकारी खंगाल रहे हैं सर, क्योंकि बहुत बड़े आरोप लगे हैं। वो तो कार्रवाई चल रही है हमारी, आगे की विवेचना चल रही है। कुछ और लोग हैं सर जो विवेचना चल रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।